हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू पार्टनर्स एडवर्टाइजिंग। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं बिकॉज इट्स अ स्पेशल मंथ। स्पेशल मंथ अरे मेंस मेंटल हेल्थ अवेयरनेस मंथ। शायद कोई भूलता नहीं पर किसी को याद ही नहीं कि अकॉर्डिंग टू द स्टडीज 40% ऑफ मेन हैव नेवर स्पोकन अबाउट देयर फीलिंग्स टू एनीवन अबाउट देयर मेंटल हेल्थ। 29% ऑफ देम आर टू एम्बैरस्ड एंड 20% सेज इट्स अ स्टिग्मा इशू। इसलिए वी हैड अ वर्ड विद आवर मेल एम्प्लॉयज एंड हमने उन्हें कहा मर्द हो तो मैदान में आओ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या आप जानते हैं कि ये मंथ कौन सा है? जून। ऐसा डेढ़ था महीना जून ही चल रहा है या दिसंबर पहले आ गया? जून और कुछ और तो कुछ ही जुलाई। तेरे को पता तो है मैं एक महीना पहले एडवांस करके रखता हूँ। जून पंजाबी जो चल रहे हैं कि हार्ड जून। बच्चों के साथ घूमना अपने ज्यादा अच्छा लगता है। मेरी गर्लफ्रेंड का कॉल जब घर का कॉल आता है तब। दोस्तों के साथ पार्टी करना और दूसरा है बुक्स पढ़ना। पैसा घूमना फिरना मतलब अच्छा। अपने दोस्त के साथ अपने घर पे नोबडी। यार वैसे तो लोफिन वाला कोई चक्कर है नहीं लेकिन कभी कभार जब भी ऐसा लगता है मेरे को तो मैं या तो छत पे जाके बैठ जाता हूँ या फिर अकेला लेक के उधर टहलाता हूँ। मतलब अकेला ही रहना पसंद है मेरे को। ऐसा कुछ सीन है मोस्टली माई मदर। आई रियली टॉक टू माई फ्रेंड्स अबाउट माई फीलिंग्स बट हाँ मोस्टली मदर। That means responsibility. मर्द ये है कि जो बोल रहे सिचुएशन के साथ संभाल पाए हर चीज़ को। मतलब एज इन एक प्रोटेक्टिव बंदा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना सीख ले क्योंकि अगर कोई आपके साथ रह रहा है या आपके साथ कहीं जा रहा है तो अगर वो सेफ फील कर रहा है तो इसका मतलब आप एक असली मर्द हो। मतलब औरत को इज्जत दे जो मे बी लाइक बींग स्ट्रॉन्ग जो कि सोसाइटी में एक चीज़ बना दी है कि हाँ जो मैन होते हैं वो स्ट्रॉन्ग रहते हैं और उनको कभी अपने इमोशंस इतने इजीली रिवील नहीं करने चाहिए। अब रिसेंटली तो ये भी हो गया कि काफ़ी लोग इस चीज़ के अगेंस्ट बोलते हैं कि हाँ तुम्हें करना चाहिए बट हाँ ये बहुत डिबेटेबल टॉपिक है तो इसके बारे में मेरा कोई ऐसा है नहीं आंसर। लाइक आपको बोला गया बचपन से कुछ ऐसा? नहीं मेरे फैमिली में कभी थैंकफुली ऐसा कुछ नहीं रहा और इवन मेरे फ्रेंड सर्कल भी काफ़ी अच्छे रहे हैं तो वहाँ पर भी कभी ऐसा कोई इशू नहीं क्रिएट हुआ है। Yeah, I'm not a gender bias. I mean, for me, my daughter is mard. ये जो मर्द की terminology थी बचपन में जो हम सुनते थे ना और जो अब देखा है हमने, I think women are more powerful. I mean, I treat them mard in the sense because they have more strength. लड़के express करें भी किसको करें? हाँ, कोई सुनने के लिए ready नहीं है। तो ओनली दो ही बंदे हैं जो एक्चुअली केयर करते हैं लड़कों की फीलिंग्स के रिगार्डिंग, वो है मॉम एंड डैड। पर उनको हम दुख देना नहीं चाहते। सो सुनाए भी लड़के किसको सुनाए? सो आई डोंट थिंक सो सोसाइटी का कोई इशू है, ये हम खुद डरते हैं सुनाने के लिए। मर्द को यही समझता है ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है इसलिए शायद वो स्ट्रॉन्ग दिखने के लिए अपनी बात मन नहीं रखता था। नहीं समझेगा तो नहीं समझेगा कोई भी। और इवन मुझे नहीं अच्छा लगता किसी से भी इन सब चीज़ों के बारे में बात करना। नॉट रिस्पॉन्सिबल लेकिन आसपास हमारे ऐसा वो हो जाता है स्ट्रक्चर कि हमें लगता है ऐसा। चेन्नई एक्सप्रेस। और वो क्यों? क्योंकि जाना कहीं और होता है पहुंच कहीं और जाते हैं। मेरा तो शुरू से ही है थ्री इडियट्स। अगर आप पैशनेट हो किसी चीज़ के लिए
तो आप वो करना चाहिए. सो व्हेन आई सॉ दैट मूवी आई एक्चुअली रियलाइज दैट वाज द लाइफ चेंजर थिंग फॉर ऑलमोस्ट एवरीबॉडी हु हैज मेड समथिंग इन देयर लाइफ. ये जिंदगी नाम लेगी दोबारा भागम भाग. मैं तो फाइटिंग वाली मूवी ज़्यादा देखता हूँ. वैसे मैं यूजुअली बहुत एनिमे मूवीज देखता हूँ, बट अगर हम रियल सिनेरियो की बात करें तो प्रॉबेबली कैरी ऑन देखता हूँ. बॉर्डर मूवी तमाशा. लड़कों के लिए यूजुअली सेल्फ केयर काफ़ी नेचुरली हो जाता है, क्योंकि जब वो अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करते हैं या मोस्टली जैसे मेरी हॉबी है वर्कआउट करना या मे बी फुटबॉल खेलना या गेम्स खेलना, तो वो एक तरह से सेल्फ केयर का ही एस्पेक्ट हो जाता है. बट हाँ, डेफिनेटली हर किसी का एक डिफरेंट तरीका होता है सेल्फ केयर का. मैंने तो नहीं सुना ऐसा भी कुछ होता है. ये तो शायद आई थिंक लड़कियाँ ही करती होंगी. Traveling usually bike mein ride and all is like one of the guilty pleasures that I have. So I'm a foodie person. Mera main focus hota hai butter chicken ke upar. So jab bhi low feel karo, jaake butter chicken khao, aaram se butter naan khao, chill maro. Ya fir ghoomne nikal jao, gaadi uthao aur seedha backpack karo, nikal jao apna kahin bhi. Bas ghoomne nikal jao. Pahadon mein. Pahadon mein. जब मैं लो फील करता हूँ तो मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं अकेले कहीं घूमने निकल जाऊँ या कुछ खा पी लूँ अकेले. I'm good. कम बोलने वाला हूँ. मैं बहुत अच्छा हूँ जी. I'm great actually. Really good. क्या यही जवाब आप हर बार देते हो? नहीं, ग्रेट तो नहीं होता, बट हाँ हम गुड ऑनेस्टली सबको दे ही देते हैं आंसर, क्योंकि हर किसी के साथ आप रियल नहीं हो सकते हो. बट हाँ, राइट नाउ आई एम फीलिंग ग्रेट. मैं बढ़िया. बहुत बढ़िया. मैं बहुत बढ़िया. जैसा आपको लग रहा. एंड हियर, मर्द हो तो मैदान में आओ इज ऑल अबाउट टेकिंग चार्ज ऑफ योर मेंटल हेल्थ. ये थे कुछ सवालों के जवाब जो शायद आपके भी होंगे, इसलिए इस बार अपने मेंटल हेल्थ के लिए कुछ करिए एंड अपने लिए कुछ करिए. Stay tuned, like and subscribe करना मत भूलना. And आपसे भी हमारा एक सवाल, कैसे हैं आप? Comment में जरूर बताइएगा. Bye, see you next time. चश्मा सीधा है मेरा, बाकी सब ठीक है. रख फोन तेरा, रिकॉर्ड शुरू कर. तुम डोल क्यों रहे थे ना? इसका आंसर मैं नहीं दे पाऊंगा. हाय शुभम. हेलो निकिता. मेरी तरफ देख के हेलो निकिता. इधर देख. हेलो. ये मेरा नहीं है. सॉरी नंबर भाई कट कर देगा. टू लव तो है सब. डिस्क्राइब. जवाब खत्म. यार नहीं जान रही. लंच के बाद करते हैं आपका ये कैंसिल. थैंक यू सो मच.